तालिबान के पास आखिर कितने पैसे हैं? 2016 की फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय तालिबान के पास 3000 करोड़ रुपए थे। और अगर आपको यही फिगर बहुत बड़ा लग रहा है तो नाटो की एक लीग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019-20 में तालिबान का टर्नओवर 12000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। ये पैसा मेजरली माइनिंग एक्टिविटी और ड्रग ट्रैफिकिंग से आता था। बाकी का पैसा आता था फॉरेन से आने वाले डोनेशंस, एक्सपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन और रियल एस्टेट के रूप में। दरअसल तालिबान आज की तारीख में पूरे अफगानिस्तान पर अपना हक जमा करके बैठा हुआ है, पर इस अफगानिस्तान के साथ साथ है उसके मिनरल्स भी। इसीलिए तालिबान काफी ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी करता है और बाद में इसे अन्य देशों को बेच करके पैसे कमाता है। अफगानिस्तान इसके साथ ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपियम एक्सपोर्टर भी है। पहले तो तालिबान फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करता है खेती करने पर, और बाद में ओपियम को हीरोइन वगैरह में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट से भी काफी भारी पैसा कमाता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।